सब्र कर ऐसा मुकाम आएगा, तेरी देशभक्ति तेरे काम आएगा, तेरी देशभक्ति तेरे काम आएगा, तू रहे या ना रहे इस जहां में, तू रहे या ना रहे इस जहां में, तेरे जाने के बाद भी इस देश में तेरा नाम आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सभी सकुशल होंगे। आज आप सभी के बीच मैं जो विषय लेके आया हूँ वो सेना के शौर्य पे जिन लोगों को संदेह है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले गलवान के उन वीरों को पुनः नमन करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी योग्यता दिखाते हुए चीन की सेना का न केवल गुमान तोड़ा बल्कि उनके हड्डियों को भी चकनाचूर किया है। मैं उन वीरों पर गर्व भी महसूस करता हूँ जिन्होंने चीन को उसकी औकात दिखा दी। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये लगता है कि मतलब ये सब चीज़ ना हो तो उनको उसमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी। बात करता हूँ मैं उन लोगों की कि जैसे मान लो कि चीन अगर लद्दाख में थोड़ा हड़प ले या चीन हमारी सेना को कुछ मार दे तो उन लोगों को बहुत प्रसन्नता मिलती है और वो लोग ये सोचते हैं कि अब हम लोग नया मुद्दा बनाकर क्वेश्चन करें और अपने दिल का मिसाइल छोड़ सकें। मैं बात किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति की नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ का इस देश में कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे सेना के शौर्य पर जो प्रश्न उठाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि इन सालों को बॉर्डर पे लगाओ, इनको सेना के साथ में लगाओ, जब गोली जहाँ चलती है ना वहाँ पे लगाओ और उससे पहले एक महीने की ट्रेनिंग इन सालों को सेना के जूते पॉलिश करवाओ और उनके साथ परेड में वगैरह में शामिल करो, तब इनको मालूम चलेगा कि सेना क्या होती है और सेना में कितना तकलीफ झेलना पड़ता है। सेना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है कि ये लोग कोई भी क्वेश्चन करने लगते हैं। इनको ना एकदम सही बोल रहा हूँ, हमारी आर्मी जो है वर्ल्ड की टॉप ऑफ 5 आर्मी है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता, इन लोगों का भेजा ही नहीं है, क्या है ये? हमारा अधिकार है कि हम गवर्नमेंट से सवाल करें। अबे तेरा भी अधिकार है, तुझसे ही बोल रहा हूँ, जो उंगली करते हैं सेना के नाम पे, तेरा भी अधिकार है, तू गवर्नमेंट से सवाल कर, तेरे को रोका किसने है? मालूम है आप सभी भारतवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन देशद्रोही की कोई जात नहीं होती, ना इनका कोई धर्म होता है, ना इनका कोई देश होता है, इनका सिर्फ एक ही होता है बस, कि ये देशद्रोही होते हैं। आज हमारे ऊपर जो हमारे इंडिया के ऊपर जो इतना हो रहा है सब यही रीजन है। मालूम है, आप लोग से यही अपील करना चाहूँगा कि आप सभी देश धर्म जो भी है सबको इकट्ठा कीजिए कि मतलब हम सभी भारतवासी एक हैं और 137 करोड़ भारतवासी एक आइए और सभी चीज़ों को भुलाकर चाइना के विरुद्ध तो आवाज़ उठाई रहे, साथ ही साथ इन जो बेकार लोग हैं ना अपने देश के कुछ गद्दार लोग, उन लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठाइए। और जब सभी इकट्ठे होंगे तो उसकी बात ही अलग होगी। याद रखिए, चाइना जब गोली चलाएगा तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या किसी और पे गोली नहीं चलाएगा, वो 137 करोड़ भारतवासी पे गोली चलाएगा। आप सभी को इकट्ठा होना है और इन सालों के खिलाफ जो देश के खिलाफ जहर उगले इनको जूता निकाल के मारिए। चाइना को पता चल गया है कि 137 करोड़ भारतवासी एक हो गए, अर्थात उसके सारे बाप इकट्ठे हो गए हैं। आपको मालूम है हमारी जो एकता है वो चाइना के विरुद्ध कितनी काम आ रही है। यही चलता रहा तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि इंडिया में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। तो बस ऐसी ही एकता बनाए रखिए। जापान पे अमेरिका ने दो बार परमाणु गिराया, एक हिरोशिमा पे और एक नागासाकी पे। उसके बाद जापान ने अमेरिका की सामान का ऐसा बायकॉट किया, उन्होंने अपना खुद का टेक्नोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे खुद का अपना ग्रो अप करना चालू किया। और आज जापान कहाँ है और इंडिया कहाँ है? इंडिया क्यों, इंडिया चुनौतियों से परेशान है, इंडिया चूतियों से परेशान है। मालूम है आपको, इंडिया में कोई चीज़ नहीं, इंडिया में हर चीज़ अवेलेबल है, इंडिया में माइंड से लेकर हर चीज़, लेकिन ये कुछ लोग हैं ना वो कुछ समझते नहीं है बात को। जापान की तरह अभी इंडिया में भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और चाइना का अगर इसी तरह से बायकॉट होता रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। और इंडिया के जो भी बिजनेसमैन है उनसे कहना चाहूँगा कि उनको कस्टमर की मांग को समझना पड़ेगा, कस्टमर को कम लागत में चीज़ अच्छी चाहिए तो वैसे ही प्रोडक्ट और उसी प्रकार से बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना वही देखता है। हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं जिनको लगता है कि यार सेना तो कुछ बात करता हूँ, अभी एक बुद्धिजीवी जिनका कि इनसे थोड़ा नाम अलग है बट वो भी थोड़ा बहुत तो सेना पे क्वेश्चन कर ही देते हैं। बात कर रहा हूँ अनुराग काश्यप की, जो कि बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने क्या बोला, क्या चाइना में सर्जिकल स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है क्या? अरे सर्जिकल स्ट्राइक अगर चाइना में अवेलेबल है ठीक है, तुमको ये क्वेश्चन किसने कर दिया? क्या सेना में इतने लोग कम पड़े हैं क्या जो तुझे बताएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक है या नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी है या नहीं? एक सर्जिकल स्ट्राइक इसके खिलाफ भी करो तो इसको पता चलेगा कि क्या होती है सेना और क्या होती है देशभक्ति। का एक श्लोक बोलना चाहूंगा, न भीषिको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमाजीत सत्वस्य स्वयमेव मृगदंता। अर्थात सिंह अपने अभिषेक और अपने शौर्य के बल पे जंगल का राजा बनता है और अपने पराक्रम के बल पे, और सिंह जैसा कोई राजा भी नहीं हो सकता है,
वो अपने शक्ति और साहस के दम पे राजा बनता है। अर्थात वैसे ही हमारी भारतीय सेना, लोग इसी तरह सेना का उत्साह और मनोबल बढ़ाइए ताकि हमारे सेना में साहस पैदा हो सके, और भरोसा रखिए अपने वीरों पे, उन्होंने जैसा आज तक आपकी रक्षा की है वो आगे भी करते रहेंगे। चीन की सेना कितनी भी हो लेकिन उनके अंदर साहस नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय सेना में साहस बहुत है। आज चीन के पास 10 लाख सेना है और हमारे पास 14 लाख, उससे भी बड़ा है तो हमारे सेना का साहस, और उससे भी बड़ा है तो आप लोगों का आशीर्वाद। इसी तरह आप 137 करोड़ भारतवासी चीन के सेनाओं के विरुद्ध अपने सेना का मान बढ़ाइए और उनको साहस और शक्ति प्रदान कीजिए। चीन की सेना में एक सबसे बड़ा डर बना रहता है, जिसका कारण है कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसके अंतर्गत वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ के जनता के बीच एक ही बच्चे का मतलब ऐसा जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कुछ रूल बनाया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग सेना में नहीं आना चाहते हैं लेकिन जबरन सेना में लाए जाते हैं, और जिसके कारण उनको अपने परिवार की चिंता रहती है। तो युद्ध होगा तो ज़रूरत है कि मतलब वो लोग जरूर है कि भागेंगे, लेकिन हमारे सेना में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वीरों का साहस हिमालय की बुलंदियों को छूता है, ऊंचाइयों को छूता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, और उससे भी बड़ा है जो आप लोगों ने उनको जो साहस प्रदान किया है, वो शक्ति से वो विश्व को जीतने की क्षमता रखते हैं। आप इसी तरह आगे उनका मनोबल बढ़ाते रहिए। और मैं लास्ट में चलते चलते सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि वो चाइना के जितने भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं जो वियतनाम और ताइवान से अवेलेबल है, मतलब वही रेट में अगर वियतनाम और ताइवान से मिल सकता है, जो कि चाइना का कुछ सब्स्टिट्यूट इंडिया में आ सकते हैं, तो हमें वो सामान इंडिया में मंगाना चाहिए। और उसके तौर पे हम क्या करेंगे कि वियतनाम और ताइवान से आए हुए प्रोडक्ट पर टैक्स कम कर देंगे और चाइना के प्रोडक्ट पर टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, जिससे क्या चाइना के प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे नहीं और वियतनाम या ताइवान के प्रोडक्ट खरीदेंगे। फिर धीरे धीरे हालात सुधरेंगे हमारे देश में, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण होगा और उसके बाद हमारा देश एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।